सोच लीजिए इमरान खान को सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर ले आइए और देखिए इमरान खान को ज्यादा टाइम भी ना दें, आप देखें कि किस तरह इमरान खान आपको जलसा करके दिखाते हैं। इमरान खान ने चैलेंज दिया है कल कि आप सिर्फ 2 दिन में वर्कर्स जो हैं वो आपको जलसा करके दिखाएंगे, लीडर नहीं होगा वहां पे, इमरान खान नहीं होंगे, ये कल इमरान खान ने कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो जुडिशरी के अगेंस्ट बात करते हैं, कानून के अगेंस्ट बात करते हैं, तो बात कैसे ना की जाए कि जब जो है पूरी दुनिया इस वक्त जानती है कि पाकिस्तान में जो है जंगल का कानून राइज है, अंधा गुंगा बहरा कानून जो है वो इस मुल्क में राइज हुआ हुआ है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ इश्तेहारी मफरूर भगोड़ा मुजरम जो है उसके तमाम केसेस नजर आ रहे हैं, उसमें वो डे बाय डे उनको जमानतें भी मिल रही हैं, उनके लिए जो है जब वो तशरीफ लाते हैं तो पूरा शाही प्रोटोकॉल जो है उनको सरकारी मशीनरी जो है वो दी जाती है, ठीक है, उसी सरकारी मशीनरी की बेस पे जो है उनका वो जलसी करवाई जाती है, जिसको जो है बड़ा उन्होंने करने की कोशिश की कि जनाब बड़ा हमने बहुत जबरदस्त बहुत आला जो है जलसा किया, जिसमें यह था कि सरों के अलावा झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे, सर तो वहां पे बड़े कम दिखे। तो वो जो जलसा था बेसिकली वो अगर इमरान खान होते तो इमरान खान की वो एक कॉर्नर मीटिंग होती या कोई वर्कर कन्वेंशन होता कि जितना उस दिन बंदा था। बहरहाल इतनी सरकारी मशीनरी के होने के बावजूद अगर आप एक जलसा जो है वो कामयाब जलसा ना कर सके तो ये आपकी अपनी किस्मत है। सोच लीजिए इमरान खान को सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर ले आइए और देखिए इमरान खान को ज्यादा टाइम भी ना दें, आप देखें कि किस तरह इमरान खान आपको जलसा करके दिखाते हैं। इमरान खान ने चैलेंज दिया है कल कि आप सिर्फ 2 दिन में वर्कर्स जो हैं वो आपको जलसा करके दिखाएंगे, लीडर नहीं होगा वहां पे, इमरान खान नहीं होंगे, ये कल इमरान खान ने कहा है कि मैं वहां मौजूद नहीं हूंगा, मेरे वर्कर्स आपको जो है वो जलसा करके दिखाएंगे मीनारे पाकिस्तान में। तो यहां से सोच लीजिए कि पब्लिक जो है वो किस कदर जो है इमरान खान की तरफ से इंक्लाइंट है, ठीक है, कितना जो है वो इमरान खान के का साथ दे रही है और उनको प्रेस करती है। क्यों? क्योंकि वो शख्स पाकिस्तान के बारे में सोचता है। हमारी जुडिशरी एक तरफ जो है उस भगोड़े के लिए जो है बायोमेट्रिक का सारा सिस्टम जो है पहुंचा दिया जाता है एयरपोर्ट पे, ठीक है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कोई फैसिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब के लिए कहा जाता था कि एम्बुलेंस में ले आए अगर वो चल नहीं सकते, तो ये दोहरा मयार क्यों है? फिर केसेस में जो है उस मुजरिम को, उस भगोड़े को, उस मफरूर को, उस इश्तेहारी को कि जो जेल से यहां से गया था, जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में बाहर गया था अपनी बीमारी का इलाज कराने जो कभी ना हो सकी, और वहां पे KFC के अलावा और कुछ उस शख्स को जो है खाने की उसको नहीं होती थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये जरूरी है बताना कि जो शख्स अगर जो है जिसको 7 दफा हार्ट अटैक हो चुका है, जिसके गुर्दे फेल हुए हैं बकौल उनकी साहबजादी के और उनकी पूरी जमात के, तो मुझे हैरानगी इस बात पे है कि ये कौन सी मौजजाना उस बंदे की शख्सियत है कि वो शख्स अब तक जो है वो जिंदा है और वो बिल्कुल सही सलामत जो है वो फिर रहा है और उसकी कोई बीमारी का इलाज नहीं हुआ। एक तरफ उस शख्स को जो है आप फौरन से पहले जमानतें दे देते हैं और उधर दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हर केस को आप डिले पर डिले किए जा रहे हैं, उनकी जमानतें जो है मुस्तरद हो रही हैं। कल जो है साइफर के केस में खामखा में बिना किसी जुर्म के आपने उन पर फर्दे जुर्म आयद कर दी, क्यों? इसकी कोई रीजन बता सकते हैं? जबकि वो बनता ही नहीं है साइफर केस इमरान खान पे। शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाया गया वहां पे? शहबाज शरीफ भी तो रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 16 महीने वो शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? साइफर तो मौजूद था, साइफर तो नेशनल असेंबली में भी पेश किया गया था, साइफर तो चीफ जस्टिस साहब को भी पेश किया गया था, हर जगह पे साइफर मौजूद था, तो आज साइफर क्यों नहीं मिल रहा है? कहां गायब हो गया है साइफर? और हर एक को पता है कि साइफर जो है वो इस तरह से कहीं भी बाहर नहीं दिया जा सकता। पहले आजम खान साहब जो है उनके जो है वो बिल्कुल और था नैरेटिव इस मामले में, लेकिन जैसे ही उनको अगवा किया गया, उनको लेके जाया गया, तो उनका फॉरन चेंज हो गया। इसी तरह से वो हमारे एम्बेसडर साहब हैं, उन्होंने पहले बयानात और दिए थे और अब आके बयानात जो हैं वो और दे रहे हैं। तो ये सारा जो है ये सोचने की बात है और लम्हा फिक्रिया है। कल आप लोगों ने वो मुस्तरद करने के बाद आज इमरान खान साहब की जो आपके पास एक दरखास्त आई हुई थी
कि आप जो हैं इसको दोबारा से जो है वो करें, और ये जो है हम इसको नहीं मानते जो आपने कल फर्दे जुर्म आयद किए, तो उसको आपने मुस्तरद कर दिया आज। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर पंजाब की काबीना जो है उन्होंने नवाज शरीफ की जो सजा है वो मुअत्तल कर दी है, अल अजीजिया रेफरेंस में वो केस उसमें उनको मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी उनकी जमानतों पर जमानतें मंजूर हो रही है, तो क्या ये दोहरा मयार नहीं है? शर्म आनी चाहिए हम सबको, और डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि हम पाकिस्तानी कौम जो है हम खामोश बैठे हुए हैं इन रवैयों पर, कि जहां पर अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वहां पर आम अवाम जो है वो कैसे आपसे एक्सपेक्टेशन रख सकती है कि आप जो है अवाम की बेहतरी के लिए अवाम के साथ इंसाफ करेंगे? तो सोचिए, लम्हा फिक्रिया है ये।